हम जवान हैं, अपनी जान हजार बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तो फाइनली बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान को आज बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17 दिन पूरे हो चुके हैं। तो वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 भी आज बॉक्स ऑफिस पर अपना 44वां दिन पूरा कर रही है। कंपैरिजन करने वाले हैं गदर 2 और जवान के 17 दिनों के टोटल इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, और जानने वाले हैं कि अपने 17वें दिन इन दोनों ही फिल्मों में से किस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की। तो चलिए सबसे पहले अगर बात की जाए शाहरुख खान की फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो शाहरुख खान की फिल्म जवान अपने पहले दो हफ्तों में तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी थी, लेकिन तीसरे हफ्ते के भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो वाकई में पूरी तरह से खतरनाक हैं। जी हाँ, एटली कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान, जिसे हिंदी तमिल तेलुगु तीन भाषाओं में रिलीज किया गया था और लगभग 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में तो ताबड़तोड़ कमाई की ही, साथ ही साथ इस फिल्म ने विदेशों में भी पूरी तरह से धूम मचा रखी है। जी हाँ, अगर बात की जाए जवान फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो जवान फिल्म ने अपने पहले हफ्ते यानी कि 8 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 390 करोड़ रुपए की रेंज में किया था। तो वहीं अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 136 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। साथ ही फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते में जैसे ही एंट्री ली, वैसे ही इस फिल्म की स्क्रीन काफी कम हो गई थी, लेकिन कम स्क्रीन होने के बावजूद भी इस फिल्म का जलवा बरकरार रहा और फिल्म ने अपने तीसरे शुक्रवार यानी कि 16वें दिन लगभग 7.50 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया। तो वहीं ये मूवी 17वें दिन यानी कि आज भी ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 9.50 करोड़ रुपए का कर रही है। और इसी के साथ जवान फिल्म ने शुरुआती 17 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 543 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस कर चुकी है। तो वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म लगभग 557 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। और बताते चलें कि जवान मूवी ने अभी तक ओवरसीज यानी कि विदेशों से लगभग 318 करोड़ रुपए की शानदार कलेक्शन कर लिए हैं। इसी के साथ बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान अपने 17 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 975 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। जी हाँ, ये फिल्म अपने 17 दिनों में दुनिया भर से लगभग 975 करोड़ की कमाई कर चुकी है और आने वाले 2 दिनों में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1000 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर देगी। इसी के साथ शाहरुख खान के नाम 2023 में 1000 करोड़ कमाने वाली 2 बड़ी फिल्में हो जाएंगी, जिसमें पहली फिल्म थी पठान, जिसने लगभग 1050 करोड़ का फाइनल कलेक्शन किया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जवान फिल्म का फाइनल कलेक्शन क्या होने वाला है। वैसे जवान फिल्म के फाइनल कलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बॉलीवुड के बब्बर शेर सनी पाजी की फिल्म गदर 2 को बॉक्स ऑफिस पर 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय कंप्लीट हो चुका है और ये फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में धूम मचाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि 11 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म गदर 2, जिसे डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, और इस फिल्म में सनी पाजी के साथ साथ हमें अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा भी देखने को मिले थे। फिल्म ने अपने शुरुआती 4 हफ्तों में ही ताबड़तोड़ कलेक्शन कर लिए थे, लेकिन 5वें हफ्ते में जवान के रिलीज होने के बाद इस फिल्म के पास काफी कम स्क्रीन बची थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कमाई की रफ्तार बना रखी है। जी हाँ, अगर बात की जाए गदर 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सनी पाजी की फिल्म गदर 2 ने लगभग 40 करोड़ के साथ ओपनिंग ली थी और इस फिल्म ने इसी तरह की ताबड़तोड़ कमाई जारी रखी और अपने शुरुआती 17 दिनों के अंदर ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 460 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तो वहीं अपने 17 दिनों में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 610 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी थी। इसी के साथ गदर 2 ने अपने शुरुआती 6 हफ्तों के अंदर ऑल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 522 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर दिया था और वहीं फिल्म ने अपने 7वें शुक्रवार को लगभग 40 लाख रुपए की शानदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर की। तो वहीं 7वें शनिवार को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60 लाख रुपए की कमाई की और इसी के साथ गदर 2 का अब तक का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 523 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। तो वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग 696 करोड़ रुपए कमा चुकी है। जी हाँ, सनी पाजी की फिल्म गदर 2 दुनिया भर से अब तक लगभग 696 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 700 करोड़ के आंकड़े को पार कर देगी। अब अगर बात की जाए दोनों फिल्मों के कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जवान फिल्म ने अपने शुरुआती 17 दिनों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 543 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो वहीं गदर 2 ने अपने 17 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन
640 करोड़ रुपए का किया था। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों में से अपने 17 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने बाजी मारी। वैसे आपको इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।